मेरा जिन्ना कल बीज बीज के उपर और बिजाई के उपर खर्चा आया सिर्फ वो पूरा होया जी। मैं आप मरिया जी, माता डैडी तीनों जने असी नाल काम करते हैं जी, जो मरे असी फ्री 6 महीने मरे जी। यदा दिल के उपर ए ला लो पत्थर रख के बह रहे हैं जी, ऊ नहीं पैंती जी। ये जंदा जी करोना शुरू होया जी, आ मतलब कि साढ़े को हजे तक कोई भी खेतीबाड़ी महकमे का कोई भी नुमाइंदा कदे आया नहीं। सरकारा किसानों नू फसली चक्कर तो बाहर निकलने दी गल्लां करदियां ने, क्योंकि जिहड़ी फसली चक्करां तो बाहर निकलांगे तां किते ना किते पानी दी बचत होगी। पानी तों बचाण लई सरकारा किसानां नू कहिंदियां ने कि जिहड़ी फसली चक्करां तो बाहर निकलो ते सब्जी दीआं खेतियां करो। तुहानू असीं अज पिछे तस्वीरां दे विच दिखा दिंदे आं। असीं खड़े आ संगरूर दे इक खेत दे विच जिथे करेले दी फसल कीती गई है, कद्दू दी फसल कीती गई है, लेकिन किते ना किते करेले नू नष्ट कीता जा रिहा, फसल नू नष्ट कीता जा रिहा, क्योंकि जिहड़ी करेले की कीमत या कद्दू की कीमत किसानों नू प्रोपर नहीं मिल रही, सगो उन्होंने घाटे का सामना करना पै रहा है। इसलिए किसान मजबूर है अपनी जिहड़ी है पुत्तां वांगू पाली हुई फसल, करेले की फसल उन्हों नष्ट करन मजबूर है, क्योंकि मेन कारण उन्होंने पूरा मुल नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा है। तो अज साडे नाल मौजूद ने एक किसान, उन्हां नाल गल कर लेना। की नाम है जी? शफी मुहम्मद है जी मेरा। शफी मुहम्मद जी, करेले की फसल नष्ट कर रहे हो, की कारण है? मेन कारण यही है जी कि इस बार जो सू फसलों के सब्जियों के भाव नहीं मिले है जी, और दूसरा 4 दिन तो अपनी मंडी बंद पी है। जो मौके से तोड़ के भी लेके जाने एक तो सू भाव नहीं मिल रहे जी, जो लेके भी जाने लेबर का और जोड़ा मौके का खर्चा साढ़ा वो नहीं पूरा हो रहा। और हूँ सन यही सोच के भी यदा की पता कि चिर चलू जी, हूँ उधरों जीरी भी लेट हो रही है, सोच के सन यू बाना ही मुनासिब समझा भी इन बाह के जीरी ला दी फटाफट। जी फसल नष्ट की थोड़ा कि नुकसान झलना पे? ये तो साडा सारा ही नुकसान है जी। इस बार मैंने कल बीज बीज दे मैंने कला 1 रुपया लिखा पाया जी मेरे को, मेरा जिन्ना कल बीज बीज दे उपर और बिजाई दे उपर खर्चा आया सिर्फ वो पूरा होया जी। ठेका मैनू पल्लों पै गया जी, और जिहड़ी मेरी आपदी मैं आप मरिया जी, माता डैडी तीनों जने असी नाल काम करदे आ जी, जिहड़े वह मरिया असी फ्री 6 महीने मरे जी। शफी जी, जिन्नी तुसी जमीन बाह रहे हो वह खेत ठेके से ली हुई है या थोड़ी अपनी मुल की जमीन? ना ठेके से जमीन है सारी जी, ठेका भी पल्यों पै गया जी, जी लेबर है वह भी पल्यों पै गई जी। तो बाकी हूँ यह है भी जोड़ा सोचा था सीगा भी चलो सरकार कहदियां ने भी फसली चक्कर चो निकलो, ये सोच के असी जो सब्जी बीजी हुई सी ए लगा लो 10वें महीने के नवंबर दसंबर के बीजी हुई है जी, जो तो लोग अपने रजाइया के नहीं निकलते उस वेले असी नंगे पैर खेतों के फिरते होंने जी। अज बहुत ही ज़्यादा मन में अफसोस हो रहा है कि अपने पुत्तों वागो जवाकों वागो पाली हुई फसल में जोड़ा बोना पै रहा जी, यदा दिल के उपर ए ला लो पत्थर रख के बह रहे हैं जी, ऊ नहीं पैंती जी। ये कितना नुकसान हो चुका हूँ तक जी, पूरी तुसी फसल नष्ट कर चुके हो, तो की मांग करते हो? ये तो जी हूँ ला लो भी जो मान के चलिए 1.5 किला तो मैंने करेलिया का बाता जी, 1 किला पेठे का बाता जी, तो घट्टो घट भी मतलब कि 7-8 बीघे घईया कद्दू बाता जी, और उस तरह जी बैंगनी वगैरह वह बाह रहे हैं जी, हूँ सारा कुछ बाह ही रहे हैं जी, हूँ और सारे का जोड़ा खर्चा सारा कुछ पल्लों पै रहा जी। खेतीबाड़ी महकमा वालों किसी के सारे जो उत्थे दे अफसर ने या नुमाइंदे ने? ना जी, हले तक जिदन का जी करोना शुरू होया जी, आ मतलब कि साढ़े को हजे तक कोई भी खेतीबाड़ी महकमे का कोई भी नुमाइंदा कदे आया नहीं है, ना सानू कदे कोई गाइड करना आया जी, ना सानू कदे कोई ऊँ आए ने भी कोई हैल्प दे लई आए होण भी कोई मतलब कि थोनू कोई आ हैल्प है साढ़े वालों असी कर दीए, कि इस माड़े टाइम दे विच बिल्कुल साडी हैल्प नहीं जी। सरकार तो की मांग करना चाहूँ? सरकार तो ही मंग करते हैं जी कि सरकार नू चाहिए कि जिवें मतलब कि होर हो कर दी है कि जिहड़े सब्जी वालियां दा एक तो मेन मंग तो साडी है जी कि जे सरकार ने पानी बचाउणा है तो साडा वातावरण बचाउणा है, सरकार जिहड़ा सब्जियां दा रेट तय करे, MSP इन्हां दी तय करे जी, तां जाके बचूगा। और दूसरा जिहड़ा हुण असीं ठेके वाले बंदे आ जिहड़ा हुण मार रहे हैं, जिहड़ी सानू मार पै गई कुदरती है जी, भाव नहीं मिले कि सरकार उन्हां नू कुछ ना कुछ मुआवजा देवे। साढ़े नाल सी इह किसान जिन्हां दा कहना सी कि असीं सरकार तो यह मंग करदे आ कि जिहड़ी सब्जी दा मुल है उह तय कीता जावे, नाल ही उहनां नूं बड़ा इह अफसोस नाल कहना पै रिहा सी कि जिहड़ी असीं पुत्तां वांगू फसल पाली है उहनूं असीं दिल ते पत्थर रख के इहनूं नष्ट कीता। संगरूर तों तजिंदर कुमार शर्मा, स्पोक्समैन TV।